चिड़िया का आम का पेड़। एक समय की बात है, एक घने जंगल में टुन्नी नामक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। टुन्नी अपनी गायिका के लिए जानी जाती थी, जो जंगल के हर प्राणियों को आनंदित महसूस कराती थी। चिड़िया के पास एक विशेष पेड़ था, जिस पर वह बैठना पसंद करती थी। रसीले आमों से लदा हुआ एक भव्य आम का पेड़। गर्मियों के टाइम पे आम का पेड़ पूरी तरह खिल गया था। उसकी शाखाएं रसीले सुनहरे आमों से भरी हुई थी। आम की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई थी और हर जानवरों को लुभाने लगी। हालांकि पेड़ ऊंचा था और आम भी ऊंचे थे, जो अधिकांश प्राणियों के पहुंच से बाहर था। चिड़िया मात्र एक ऐसी थी जो अपनी उड़ने की क्षमता के कारण आमों तक पहुंच जाती थी। वह अक्सर मीठे फलों को कुदेड़ कर उसका स्वाद चखती थी। जब वह आम का आनंद ले रही थी, तो उसके दोस्त खरगोश, हिरन और गिलहरी उसे लालच की निगाहों से देख रहे थे। एक दिन चिड़िया ने उनकी लालची निगाहों को देख लिया और अपने आप को अपराधी समझने लगी। उसने स्वादिष्ट आम को अपने दोस्तों के साथ साझा करने का फैसला किया। वह पेड़ की चोटी पर उड़ गई और उसे जो भी पके हुए आम मिले वे तोड़ कर ले आई। एक एक करके वह नीचे इंतजार कर रहे दोस्तों के पास छोड़ती गई। आम खाते ही खरगोश बहुत ही खुश हुआ और उसने चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हिरन और गिलहरी ने भी अपना आभार व्यक्त किया। आम का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पे खुशी चमक उठी। अपने दोस्तों को खुश देखकर चिड़िया को बहुत ही गर्व महसूस हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चिड़िया सभी वन प्राणियों के साथ अपने आम को साझा करने लगी। उसकी उदारता के बारे में बात फैल गई और जल्द ही भिन्न हिस्सों से जानवर मीठे आमों का स्वाद लेने के लिए आने लगे। चिड़िया ने कभी भी साझा करने में संकोच नहीं किया, हमेशा यह सुनिश्चित किया सभी को अपना उच्च हिस्सा मिलेगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू जंगल में आया। उसने चिड़िया के दयालुता के बारे में सुना और उससे मिलना चाहता था। उल्लू आम की पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और उसे पुकारने लगा। चिड़िया, तुम्हारी उदारता ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। तुमने सिखाया है, साझा करने से ना केवल दूसरे को खुशी मिलती है बल्कि खुद को भी खुशी मिलती है। तुम्हारे कार्य ने जंगल को खुशहाल जंगल बना दिया है। चिड़िया को गर्व महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उल्लू सही था। मीठे आम बांटने से उसे कई मूल्य चीज़ें मिली थी। प्यार और दोस्ती जंगल में खुशहाली का माहौल बन गया था। यह सब उस छोटे पक्षी के बड़े दिल की बदौलत है। आखिरकार आम का मौसम समाप्त हो गया, लेकिन चिड़िया ने जो अपने दोस्तों के साथ बंधन बनाए थे वे मजबूत बने रहे। जानवर उसकी दयालुता को कभी नहीं भुला सकते और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते।